वेलकम बैक अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोम स्टडी जीके। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। तो फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल की आज हमारी पहली कक्षा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जब ये लॉकडाउन के बाद बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी लेखपाल हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी टी टी, यूपी पी सी एस के, पीसी के बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो उन्हीं के दृष्टि में रखते हुए आज से हम यूपी स्पेशल की कुछ विशेष कक्षाओं को चालू कर रहे हैं। इस विशेष कक्षाओं में हम पूरे यूपी के जीके के लगभग कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट जीके के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज ये पहली कक्षा है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे सब लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत की, मतलब यूपी की जो है उसकी भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में समझेंगे, डीपली समझने की कोशिश करेंगे। इसका आखिर उत्तर प्रदेश का भारत पे कहाँ पे, किस मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, किस जगह यूपी में किस जगह पे स्थित है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और ये भारत के मैप में, और इसका कितना परसेंट एरिया घेरे हुए है, और कौन कौन से राज्यों की सीमाएं इससे लगती हैं। तो आज छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसमें हम थोड़ा सा उसका स्थिति जानेंगे कि क्या अक्षांशीय विस्तार कितना, देशांतरीय विस्तार कितना है, और साथ में देखेंगे कि स्थिति कहाँ पे स्थित है भारत में, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती हैं इससे, और मतलब ये भी डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती हैं। तो बस आज इतना ही डिस्कस करेंगे इस छोटे से लेक्चर में। चलिए तो शुरू करते हैं। बात करें ये भारत का एक मैप है, इस भारत के मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ पे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश पहले राज्यों की सीमा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो राज्य है इसको लद्दाख कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर वाला है क्योंकि अभी विभाजन हो गया है, ये पंजाब वाला एरिया है, ठीक है, और ये हरियाणा वाला एरिया है, और ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ठीक है, इसके बाद ये वाला एरिया, ये राजस्थान है, इसके नीचे ये गुजरात है, और इसके नीचे ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद ये कर्नाटक है, ये केरला है, और केरल के बाद ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद ये वाली जो एरिया आंध्र प्रदेश का, और ये वाला जो शायद तेलंगाना है, इसके बाद ये उड़ीसा हो गया, और ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, और ये झारखंड हो गया, इसके बाद ये बिहार वाला एरिया होगा, इसके इन सबको घेरे हुए ये हमारा यूपी है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, और समझने की कोशिश करते हैं बाकी ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, तो इनका इनको बाद में देखेंगे फिर, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने भारत में मैप की स्थिति देख ली। अगर बात करें कि अगर भारत में कहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा, सॉरी थोड़ा सा मैप साफ कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से वापस से समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि जो भारत में कर्क रेखा होकर पास गुजरती है, तो ये कर्क रेखा इधर से ऐसे होकर निकल जाती है, ठीक है। तो अब कर्क रेखा जब निकल रही, तो क्या ये यूपी से होकर जाती है? तो ये फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट बात रखनी है कि जो कर्क रेखा है, यानी 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, यानी जिसको कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यूपी से होकर नहीं जाती है, ये गुजरात से होकर जाती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड से और वेस्ट बंगाल के होते हुए त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए निकल जाती है, लेकिन ये यूपी से होकर नहीं जाती है, पहली मोस्ट मुख्य इंपॉर्टेंट बात। और ये जो है कर्क रेखा करती है भारत को दो भागों में पड़ती है, तो जो भारतीय का जो भारत का जो उत्तरी एरिया है, यानी जिसको उत्तर भारत कहते हैं, उस वाले एरिया में यूपी पाया जाता है, ठीक है, यूपी की स्थिति इधर पे है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं, अगर इसका एरिया कितना है। हमने देखा कि जो भारत का क्षेत्रफल होता है वो कुल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, तो हमारा जो यूपी है जो कि कितना परसेंट एरिया घेरे और यूपी का कितना क्षेत्रफल है, तो यूपी का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये 24,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और अगर बात करें कि भारत का कितना परसेंट एरिया घेरे हुए, तो भारत की जो मुख्य भूमि का कुल क्षेत्रफल का 7.33% एरिया घेरे हुए उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें राज्यों का क्रम कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य हमको नजर आ रहा होगा मैप में, वो कौन सा राज्य है, राजस्थान हो गया, इसके बाद जो दूसरा राज्य आता है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद इसके बाद महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद यूपी, यानी चौथे नंबर का, फोर्थ टाइम, मतलब चौथे नंबर का राज्य हमारा कौन सा, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर का राज्य। आप मैप में समझ सकते हैं कि कौन सा, थोड़ा सा मैप में अभी क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी समझ में आएगा, ठीक है, तो कहाँ पे कितना एरिया घेरे हुए। चलिए पूरा साफ ही कर लेते हैं अच्छे से, वापस से रखते देखने। तो आप मैप ये समझने कोशिश, देखिए सबसे बड़ा एरिया किस में नजर आ रहा है आपको, राजस्थान में नजर आ रहा है, ठीक है, इसके बाद आपको मध्य प्रदेश का एरिया नजर आ रहा होगा, इसके बाद महाराष्ट्र का, इससे भी आपको अब इससे बड़ा नहीं नजर आ रहा होगा यूपी से बड़ा, लेकिन जो पहले था जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो ये चौथा नंबर ये हो जाता था तेलंगाना वाला, लेकिन अब अलग हो जाने के कारण ये पांचवें नंबर पर पहुंच गया और यूपी हमारा चौथे नंबर पे आ गया। तो ये हमने देख लिया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे उत्तर प्रदेश कौन से, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से स्टेट बड़े हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपी की कक्षाओं में, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं
उत्तर प्रदेश की मैप है, इस मैप के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या होता है। तो इस उत्तर प्रदेश का, क्योंकि हमने भारत का तो हमको पता है कि कहाँ से भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक पहुंचता है, ठीक है, उत्तर में। उसके बाद जो पूर्व में होता है कितने 97.25 से लेकर के 68.60 तक होता है, 7 तक होता है, ये तो हम भारत के विषय में जानते हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं ना, तो हमको उत्तर प्रदेश के बारे में भी तो कुछ पता होना चाहिए। पहले आपको देख लेते हैं, पहले जैसे आपकी पृथ्वी है, इसमें जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, पड़ी जो खड़ी रेखाएं हैं, इनको कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर, इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और ये जो, और जो खड़ी, सॉरी, पड़ी रेखाएं होती हैं, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो भारत का जो ऊपर से गुजरेगी तो ये हमारा सबसे पूर्वी क्या हो जाएगा, अक्षांश हो जाएगा। और नीचे से जो गुजरेगी वो क्या हो जाएगा, ये सबसे निचले वाला अक्षांश हो जाएगा। और इधर से जो गुजर के आएगी उसको ये क्या होगा, सबसे पूर्वी देशांतर होगा, ठीक है। और जो यहाँ से गुजर के आएगी वो क्या होगा, सबसे पश्चिमी, ये पश्चिमी देशांतर हो गया। चलिए इसका देख लेते हैं क्रम क्या है। तो अगर बात करें कि भारत की सबसे उत्तरी उत्तरी अक्षांश कितना है, तो वो है 30 डिग्री 24 मिनट, उसको मिनट बोलते हैं, ठीक है, 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के उत्तर प्रदेश। नीचे 23 डिग्री 62 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम बता रहे हैं। अगर यही नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो 23 डिग्री 62 मिनट दक्षिणी अक्षांश, मतलब उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी के उत्तर में पड़ता है ना एरिया, जैसे ये पृथ्वी है, ये कर्क रेखा बोलते हैं इसको, तो ये नॉर्थ वाला एरिया में पड़ता है, इसलिए इसको उत्तरी अक्षांश बोला जाता है, और नीचे वाले को साउथ बोलते हैं। लेकिन हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो भारत है, और भारत उत्तर प्रदेश में क्या है, ये सब उत्तर के एरिया में, इसलिए इसको नॉर्थ से डोनेट किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23 डिग्री 62 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर पूर्वी देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर ये वाली जो ये वाली नजर आ रही है, ये कितनी होगी, 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। क्योंकि पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जानते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी से सारी रेखाओं को माप किया जाता है। ये वाला जो एरिया पड़ता है ये ईस्ट की ओर पड़ता है, इसलिए ईस्ट दर्शाया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 62 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतरी विस्तार रेखा 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। तो ये भारत का, ये उत्तर प्रदेश का क्या हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश का ये विस्तार हो गया, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, ठीक है, इसको याद रख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, इस मैप आपको नजर आ रहा होगा शायद, आपको जो स्टेट है क्लियर नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हम अगले वीडियो में हम एक एक स्टेट के बारे में देखेंगे कि आखिर कौन सी बाउंड्री लाइन कहाँ कहाँ से पड़ती है। तो फिलहाल अभी ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। आप ये उत्तर प्रदेश का देख रहे होंगे, एक सिंह की आकृति का क्रम है, ऊपर सहारनपुर से लेकर के ललितपुर और ये सोनभद्र जिला, ये बलिया जिला, इधर से होकर के ये पूरी बॉर्डर बनी हुई है। तो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश से। तो पहला राज्य है सबसे उत्तर में, उसको कहते हैं उत्तराखंड, यूके से जिसको दर्शाया गया, उत्तराखंड की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें पूर्वी क्षेत्र में, सॉरी पश्चिम में आए तो हरियाणा राज्य की सीमा लगती है। हरियाणा के बाद ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ये दिल्ली है, छोटा सा आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये जिसको मैंने गोला कर दिया है, ठीक है, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, ठीक है, इसकी भी सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश से। इसके बाद जो अगला स्टेट है वो राजस्थान है, राजस्थान की सीमाएं लगती हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा सीमा लगती है, आप नजर कर पा रहे होंगे थोड़ा सा बहुत, जो आपको नजर आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश की सीमा इधर से लेकर के ये सोनभद्र तक लगती है इधर नीचे, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े एरिया में, पूरी लगभग आधे से ज्यादा सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है। तो सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश से ही लगती है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इसके बाद जो अगला स्टेट कौन सा है जिससे सीमा लगती है, इसके बाद है झारखंड, नीचे की साइड सोनभद्र जिला, इसकी सीमा लगती है झारखंड से, ठीक है। इसके बाद जो सबसे पूर्व में बात करें तो बिहार राज्य से सीमा लगती है, ठीक है। और ये तो हमने देखा कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश और कौन कौन से राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है। और कौन कौन से इसके स्टेटों से सीमा लगती है, तो पहला उत्तराखंड पूर्व में, ठीक है, और पश्चिम में हरियाणा राजस्थान, और दक्षिण में मध्य प्रदेश और झारखंड, पूर्व में बिहार। और लेकिन इसी के साथ एक राज्य, एक जो देश है उसकी सीमा भी लगती है किसके, उस देश का नाम है नेपाल, आपको नजर आ रहा होगा, नेपाल की सीमा भी लगती है उत्तर प्रदेश से। तो हमने टोटल देखा कि सिर्फ केवल एक देश की सीमा लगती है, वो देश है हमारा नेपाल, और 6 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है टोटल मिला के, ठीक
ठीक है, इतनी सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश की। तो ये आज हमने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में डिस्कस किया और उसके भौगोलिक विस्तार के बारे में डिस्कस किया। तो आज छोटा सा लेक्चर इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी पहली क्लास है, तो इसको इतनी रखते हैं शॉर्ट। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम सारा एकदम से सिंपल मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन सा जो यूपी के जिले हैं वो कहाँ पे हैं और लखनऊ की स्थिति कहाँ पे है, तो आप ऐसे विस्तृत से देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।